नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन आज जो है वो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कुछ महीने पहले मैंने Acer Nitro V जो लैपटॉप है वो मैंने लिया था। उसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो दे दी जाती है, तो इंडोर कंडीशन में और आउटडोर कंडीशन में क्या उसका रिजल्ट आता है वो आज हम लोग जो है वो टेस्ट करने वाले हैं। सो लैपटॉप मैंने जो है वो चालू कर दिया है। सो अभी इंडोर कंडीशन में और आउटडोर कंडीशन में उसकी जो ब्राइटनेस है वो हम लोग चेक करेंगे, डे एंड नाइट दोनों में ही या चेक करेंगे। सो अभी तो सुबह के 8 बजने को आया है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूप निकली हुई है। अभी अभी हम लोग बाहर जाएंगे और देखेंगे कि ब्राइटनेस कैसी है। सो चलिए अभी फटाफट से अभी ब्राइटनेस टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए अभी इसका जो ब्राइटनेस है वो फुल पे है, फुल ब्राइटनेस जो है वो मैंने करके रखी है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी अच्छी खासी मतलब ब्राइटनेस जो है वो है। अभी मैं उसको लो कर देता हूँ, इस तरीके से मैं लो कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी ये पूरी लो हो गई है, बट कैमरा में आपको आप मतलब जज नहीं कर पाएंगे। कैमरा में थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा के देता है, बट एक्चुअल कंडीशन में जो कैमरा दिखा रहा है उससे थोड़ी सी जो है वो कम ब्राइटनेस है। और अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। सो अभी हम लोग आउटडोर कंडीशन में भी जाएंगे। सो अभी कुछ वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि वीडियो में ब्राइटनेस कैसी है। वैसा ही टेस्ट हम लोग आउटडोर कंडीशन में भी करेंगे और नाइट में भी करेंगे। सो चलिए अभी कुछ वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए भाई, कुछ ऐसी ब्राइटनेस जो है वो लो ब्राइटनेस में है। अभी मैं ब्राइटनेस को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो मैंने बढ़ा दी है। सो कुछ इस तरीके की जो है वो ब्राइटनेस इंडोर कंडीशन में आती है। ये देखिए अभी घर के अंदर बैठा हूँ। सो लो ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस में आपने रिजल्ट जो है वो देख लिया। अभी फिर से जो है वो ब्राइटनेस में कम करके देख लेता हूँ। ये देखिए ये पूरी कम हो गई। सो कुछ ऐसा रिजल्ट जो है वो आपको आता है। अभी आउटडोर कंडीशन में भी जो है वो चेक कर लेते हैं कि आउटडोर कंडीशन में क्या हालत है। ये देखिए भाई साहब, मैं सीधा छत पे ही आ गया हूँ और सीधी सनलाइट कंडीशन में जो है वो इसकी ब्राइटनेस जो है वो टेस्ट कर रहा हूँ। अभी लो ब्राइटनेस पे है और लो ब्राइटनेस पे ये देखो भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसका ब्राइटनेस जो है मैं बढ़ा देता हूँ। अगर मैं ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ाऊँगा तभी आपको कुछ ना कुछ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बट अभी सनलाइट जो है वो सीधा इसके ऊपर ही आ रही है, लैपटॉप की स्क्रीन पर ही आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट है। सो आई होप कि थोड़ा बहुत जो है आपको अंदाज़ा आ गया होगा इसकी जो 250 निट्स की जो ब्राइटनेस है उसको लेके सीधे सनलाइट में जो है वो ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है। बट अभी मैं इसको पूरा मतलब घटा दूंगा ब्राइटनेस, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कुछ दिखाई तो दे रहा है बट उतना क्लियर नहीं है। बट अभी ये देखें, अभी फुल ब्राइटनेस पे ही आपको कुछ ना कुछ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। सो ये ऐसा कुछ रिजल्ट है इसका। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि डे अगर सीधे कड़ी धूप में अगर इसको रखते हैं, वैसा कोई यूज़ तो नहीं करेगा ऐसे धूप में, बट ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि 250 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो कितनी कारगर साबित होती है। तो इसके लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है मैं। सो अभी इवनिंग में हम लोग चेक करेंगे कि इसका नाइट मोड में इसकी ब्राइटनेस जो है वो कैसे काम करती है। सो अभी इंतज़ार है इवनिंग होने का। सो इवनिंग में फिर से मिलते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है वो रात के 9:30 जो है वो बज चुके हैं और अभी फिर से हम लोग इसका जो नाइट में जो है वो टेस्ट करेंगे कि इसकी नाइट में ब्राइटनेस कितनी होती है। तो अभी तो लाइट मैंने चालू करके रखी है। सो अभी मैं लाइट जो है वो यहाँ पे बंद कर देता हूँ और बाहर भी देखेंगे। देखो बाहर भी 9:30 बज चुके हैं, तो ऑब्वियसली अंधेरा ही अंधेरा होगा बाहर। बट अनफॉर्चुनेटली लाइट उस तरफ है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइट जो है वो चालू कर देता हूँ। चलिए अभी कर देता हूँ यहाँ से बंद। और ये देखिए थोड़ा सा पहले जितना मतलब रोशनी अभी नहीं है, बट स्टिल ये देखिए ये यहाँ पे वॉलपेपर भी मस्त मस्त जो है वो चेंज होते रहेंगे यहाँ पे। सो अभी जो है वो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस पे है। ये देखिए यहाँ पे एकदम पीक ब्राइटनेस पे है। अभी जो है वो मैं ब्राइटनेस जो है
थोड़ी कम करता हूँ, एकदम लो ब्राइटनेस हो गई है। ठीक है, अभी मैं बंद कर देता हूँ लाइट्स ऑफ। और ये देखिए, अरे यार ये टीवी भी चालू है, ये देखिए ये टीवी की ब्राइटनेस और ये वाली यहाँ। सो अभी थोड़ा जो है वो पता नहीं कैमरा का कमाल है कि नहीं है, बट कैमरे में थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ा के देता है, बट एक्चुअली में उतनी ब्राइटनेस है नहीं। बट यहाँ पे मैं अगर कुछ काम करने का मैं सोचूँ तो आराम से मैं यहाँ पे जो है वो काम कर सकता हूँ। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अभी यूट्यूब खोल लेते हैं, यूट्यूब। चलिए भाई यूट्यूब खोल लिया। और यहाँ पे जो है वो हमारी YouTube चैनल को जो है वो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी जो है वो कहाँ शो देखने के लिए आ गए हैं। सो अभी ये देखो, ये ब्राइटनेस को मैंने एकदम से कम कर दिया है, और अभी जो है वो मैं ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा देता हूँ। अभी ये देखिए, ये मैंने ब्राइटनेस जो है वो हाई पे कर दिया है। सो एज सच मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रहा है। और ये देखिए कि कीबोर्ड की लाइट भी बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से जो चमक रही है, वाइट लाइट है बैकग्राउंड, मतलब कीबोर्ड की जो बैकग्राउंड लाइट है वो वाइट है। और ये देखिए, ये इसका हाई ब्राइटनेस पे और कुछ इस तरीके से रिजल्ट है, मतलब घर के अंदर इंडोर कंडीशन में। अभी टीवी भी चालू है, मैंने जैसे कि पहले बताया था टीवी भी चालू है। सो ये हाई ब्राइटनेस और ये है लो ब्राइटनेस, कुछ ऐसा। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रात के टाइम पे जो कीबोर्ड की लाइट है वो कुछ ऐसी जल रही है। और यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को ब्राइटनेस को अभी बढ़ा दिया है। ये देखिए, ये फुल ब्राइटनेस और ये एकदम लो ब्राइटनेस। पता नहीं आप ढंग से देख पा रहे हैं या नहीं, बट यस ऐसा कुछ है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाहर उसको लेके जाऊँ लैपटॉप को। सो ये देखिए भाई साहब, ये मैं बाहर आ गया हूँ या आउटर कंडीशन में। सो आउटर कंडीशन में तो एज सच कोई डिफरेंस है नहीं वैसे। अभी मैं इसकी जो है ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए भाई साहब, मतलब नाइट में तो कोई एज सच कोई कंप्लेन है नहीं मुझे, बट दिन में जो आउटर कंडीशन में उतनी थोड़ी थोड़ी बहुत जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट नाइट में तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप गाइस कि थोड़ा बहुत जो आपको अंदाज़ा आ गया होगा इसकी ब्राइटनेस को लेके। सो अगर इन फ्यूचर में या फिर कोई अगर ये लैपटॉप लेना चाहता है तो आपको थोड़ा सा जो अंदाज़ा आ गया होगा ब्राइटनेस को लेके। सो 250 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम ज़रूर है। यस कम है इसकी, स्पेशली डे लाइट कंडीशन में तो बहुत कम है। नाइट को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया। तो नाइट में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ब्राइटनेस एकदम कम करके भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यस हाँ, दिन के टाइम में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, बट एज सच ऐसे कड़ी धूप में कोई भी काम नहीं करता लैपटॉप में, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडोर कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा, चाहे रात हो या फिर दिन हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 250 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो एज ऑफ नाउ ओके मतलब बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बुरी भी नहीं है। सो यस आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई एसर का नाइट्रो V15 जो है वो लेना चाहता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है और क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक का। मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा है। अभी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 4K वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें एडिट करके भी देखूँ तो कितना टाइम लगता है, तो वो वीडियो भी जो फ्यूचर में आने वाला है। सो बने रहिएगा मेरी यूट्यूब चैनल के साथ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। जो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।